भी दिया था जो चोर के द्वारा लीक किया गया था। चिंता मत करना दोस्त, मुझे पैसे की जरूरत है इसलिए मैं चोरी कर रहा हूँ, पैसे वापस आते ही घर में फेंक जाऊंगा। धूम 3 माफ कर देना, जय हिंद जय भारत, सॉरी दोस्त, अगर मैं ये नहीं करता तो मेरे दोस्त की जान चली जाती, मजबूरी थी, टेंशन मत लेना, मेरे पास पैसे आते ही मैं तुम्हारे घर में पैसा फेंक जाऊंगा। धूम 3 दिल से अच्छा हूं। मध्य प्रदेश के भिंड शहर के एक मकान में 30 जून को चोरी हो गई। लोग घर से बाहर गए हुए थे और जब लौटे तो ताला टूटा हुआ था। अंदर अलमारी, बक्से, लॉकर सब टूटे थे, सारा सामान बिखरा पड़ा था। पहली नजर में ही साफ था कि यह मामला चोरी का है। जाहिर है घर के कीमती चीजों के चोरी चले जाने से लोग सदमे में थे, लेकिन इसी सदमे के बीच उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर वो चौंक गए। घर में बिखरे सामानों के बीच एक पन्ने का एक खत भी पड़ा था जिसमें हिंदी और इंग्लिश में चंद हर्फ लिखे थे। आप भी पढ़िए वो खत जिसे इस घर का ताला तोड़ने वाले चोर ने खुद अपने हाथों से लिखा था। माफ कर देना, जय हिंद जय भारत, सॉरी दोस्त, अगर मैं ये नहीं करता तो मेरे दोस्त की जान चली जाती, मजबूरी थी, टेंशन मत लेना, मेरे पास पैसे आते ही मैं तुम्हारे घर में पैसा फेंक जाऊंगा। धूम 3 दिल से अच्छा हूं। आपने चोरी के वाक्य तो बहुत देखे होंगे, लेकिन कोई चोर किसी के घर में चोरी करे और जाते जाते पीड़ित परिवार को रुपए लौटाने की बात कहकर तसल्ली भी दे जाए, ऐसा चोर शायद ही इससे पहले आपने कभी देखा हो। लेकिन यहाँ चोर न सिर्फ तसल्ली दे रहा था बल्कि चोरी की अपनी उस मजबूरी को भी बता रहा था जिसमें वो अपने दोस्त की जान बचाना चाहता था। चोर ने लिखा था कि उसके किसी दोस्त की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है और उसे अपने दोस्त की जान बचाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, और इन हालात में उसके पास ये चोरी करने के सिवाय दूसरा कोई चारा ही नहीं है। चोर ने चोरी का शिकार हुए परिवार से माफी मांगते हुए ये भी लिखा था कि वो दिल का अच्छा है, और तो और अपने खत में जय हिंद जय भारत लिखकर उसने ये भी बताने की कोशिश की थी कि उसके दिल में देश के लिए भी प्यार है। शहर के भीमनगर इलाके में मौजूद ये मकान एसएफ में काम करने वाले राकेश कुमार का है जो अक्सर अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं। 30 जून को उनकी पत्नी सीमा मौर्य घर में ताला लगाकर अपने बच्चों के साथ मायके चली गई थी और जब लौट कर आई तो घर की हालत देखकर सन्न रह गई। उसके सोने चांदी के सारे जेवर गायब हो चुके थे। अब जब चोरी हुई थी तो फिर घर वाले भी क्या करते। चोर का खत मिलने के बावजूद उन्होंने इसकी शिकायत सिटी कोतवाली पुलिस से की और पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। भिंड पुलिस ने अब तक चोरी के बेहिसाब मामले सुलझाए थे। बड़े से बड़े और एक से बढ़कर एक छंटे हुए बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था, लेकिन ऐसी चोरी पहली बार देखी थी जिसमें चोर चोरी करने के बाद सफाई भी दे रहा था और रुपए लौटाने का वादा भी कर रहा था। मैं जब वापस आई 5 तारीख को तो मुझे ताला टूटा हुआ मिला था, फिर मैंने पुलिस को कॉल किया था, तुरंत ही पुलिस भी आई थी, उन्होंने छानबीन की होगी, उन्हें चोर मिला होगा या नहीं मिला होगा ये उनकी आईडी। क्या आपके दरवाजे पे कोई निशान छोड़ के गया था चोर? हाँ, कोई लेटर छोड़ के गया था, उसमें जो आपको पता ही है, जो पुलिस को मैंने दे चुके हैं। क्या लिखा था पत्र पे? उसमें लिखा था सॉरी मुझे माफ कर देना, मेरे दोस्त की जान जाने वाली है। क्या क्या सामान चोरी हुआ है आपके? सामान तो पूरी ज्वेलरी शादी में मिली है वो सब चोरी हो गया मेरा। बहरहाल जांच आगे बढ़ी, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच से लेकर दूसरे टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिरों की इत्तला पर आखिरकार पुलिस को इस मामले में कामयाबी मिल गई और वो अजीबोगरीब चोर उसके हाथ लग गया
जो चोरी के बाद मौका वारदात पर खत छोड़कर भाग निकला था। इत्तेफाक से ये चोर कोई दूर दराज का नहीं बल्कि उसी मोहल्ले यानी भीमनगर का रहने वाला एक नौजवान राहुल जाटव था। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर उसके दोस्त की जिंदगी पर ऐसा क्या खतरा था कि उसे चोरी करनी पड़ी और वो भी अपने ही मोहल्ले में। तो पकड़े जाने पर राहुल ने क्या कहा आप भी सुनिए। मैं एक हिंदुस्तानी आपने जो पत्र पे जो लिखा हुआ था क्या सोचकर लिखा हुआ था? मैंने ये सोच के लिखा हुआ था कि बहुत से चोर होते हैं, मतलब गंदे चोर होते हैं, वो ले रहे और फाड़ बजाए वो। लेकिन ये मेरे दिल का कि अभी ये लिख के जाते हैं, इतना माल मैं इनका लेके जा रहा हूँ तो मैं बाद में अपने मकसद में कामयाब हो गया, वहां जाके अच्छे मतलब बिजनेस चालू हो गया, तो मैं उससे डबल इनको गेट खड़खड़ा के और मुंह बांध के आऊंगा और इनके ऊपर वो सारे पैसे जेवरात चोरा चाली सब फेंक के। असल में राहुल का कहना था कि उसके एक दोस्त के साथ उज्जैन के एक गैंगस्टर की दुश्मनी चल रही है और उसी गैंगस्टर ने न सिर्फ उसके दोस्त के पैर में गोली मारी है बल्कि उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब जान के डर से उसका दोस्त उससे मदद मांग रहा है और ऐसे में उसके पास अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उसी गैंगस्टर को डराने धमकाने के सिवाय दूसरा कोई भी चारा नहीं है। गिरफ्त में आए नौजवान राहुल की माने तो वो इन चोरी के रुपयों से एक पिस्टल खरीदना चाहता था ताकि वो भी ठीक उसी तरह उस गैंगस्टर के पैरों में गोली मारकर अपने दोस्त का बदला ले सके और गैंगस्टर को आगाह कर सके कि वो आइंदा उसके दोस्त की तरफ देखने की भी गलती न करे। लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो पाता पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और तो और इस चोर ने अपने खत में फिल्म धूम 3 का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि वो इस फिल्म से काफी प्रभावित था। जिस तरह फिल्म का हीरो आमिर खान एक चोर होने के बावजूद चोरी के रुपयों से जरूरतमंदों की मदद किया करता था, वो भी चोरी के पैसों से कुछ अच्छा काम ही करना चाहता था। यही वजह थी कि उसने अपने खत में धूम 3 तो लिखा ही था, साथ ही खुद ही अपने हाथों से ये भी लिख दिया था कि वो दिल का अच्छा आदमी है। धूम 3 लिखा था पत्र पे? धूम 3 है। क्यों लिखा था वो धूम 3? मैंने किसी क्या मूवी देखी थी आपने? नहीं देखी है मैंने, उसने उसके सिर में मारा है, बता रहा हूं। और कट्टा भी है, दो कट्टे लेके गए थे ये लोग। इसलिए धूम 3 का मतलब क्या होता है? धूम 3 का मतलब उसको बहुत चोट लगी है कि धूम मतलब ये धूम 3 की जैसे ये चोरी हो गई। धूम 3 में वो अच्छा था आमिर खान, गरीबों को बांट देता था, मैं खुद नहीं खाता था उससे। हमें कौन से प्रभावित थे? हाँ तो ये चोरी मैंने अपने लिए नहीं दूसरे के लिए। गिरफ्तार चोर की माने तो उसने इस घर से जितने रुपए चुराए थे उसके पास पैसे आते ही वो उससे डबल रुपए उन्हें लौटाने वाला था। वो किसी रोज अपने चेहरे पर कपड़ा बांध कर आता और घर वालों के सामने रुपए पैसे और जेवर वगैरह खुद अपने हाथों से फेंक कर चला जाता। तो मैं उससे डबल इनको गेट खटखटा के और मुंह बांध के आऊंगा और इनके ऊपर वो सारे पैसे जेवरात चोरा चाली सब फेंक के। बहरहाल ईमानदारी की बात करना और अपनी मजबूरी बताना अपनी जगह है, लेकिन कानून का काम अपनी जगह।
अब पुलिस इस चोर को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। भीमनगर निवासी रीमा मोर के द्वारा घर में चोरी होने की लिखित सूचना पर से 457-380 मैकअपजनी का प्रकरण दर्ज किया गया था। साथ में एक उसने पत्र भी दिया था जो चोर के द्वारा लीक किया गया था। उसमें काफी चीजें लिखी थी कि चिंता मत करना दोस्त, मुझे पैसे की जरूरत है, इसलिए मैं चोरी कर रहा हूँ, पैसे वापस आते ही घर में फेंक जाऊंगा, धूम 3 और वगैरह वगैरह। तो उस पर से फिर हमने विवेचना की। विवेचना में एक राहुल जाटव निवासी भीमनगर, जो कभी कभी जयपुर भी रहता है, उसको हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है और बरामदगी भी उससे हो रही है। तो उससे पूछताछ में उसने बताया था कि मुझे उज्जैन का कोई बदमाश है, उसको मारना है, तो उसको मारने के लिए पिस्टल की जरूरत है, तो पिस्टल खरीदने के लिए मैं ये पैसा चोरी से इकट्ठा कर रहा हूँ, ये सूचना उसने दी थी। अब उसने जो सूचना दी है उसकी तस्दीक करेंगे और प्रकरण में कार्रवाई की जा रही है। चोर की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी हिरासत में लिया गया है और उसकी कार्रवाई चल रही है। जाहिर है जब राहुल ने चोरी की है तो उस पर मुकदमा भी चलेगा और सजा भी होगी, लेकिन ये सजा कितनी होगी और उसके खत और इन लच्छेदार बातों का उसे अदालत से कितना फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एक ईमानदार चोर की इस कहानी ने भिंड शहर के लोगों को किस्सा गोई के लिए एक बेहतरीन टॉपिक तो जरूर दे दिया है। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।